स्टोरीज रेबेका क्रिएट किया है G33 गेम्स ने। एंड फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की, तो ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट गेम है एंड इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक यंग गर्ल रेबेका की जो अपनी फैमिली के साथ रहती है एंड मेन कैरेक्टर एक कॉलेज स्टूडेंट होती है एंड अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण मेन कैरेक्टर बहुत परेशान होती है। सो बेसिकली इस गेम में मेन कैरेक्टर को अपनी लाइफ में सर्वाइव करना होगा एंड मनी अर्न करनी होगी। तो अब कैसे मेन कैरेक्टर मनी अर्न करती है एंड अब कैसे गेम के बाकी मैंस उसका यूज करेंगे, ये आगे आप इस गेम में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की, तो इस गेम में आपको फुल HD क्वालिटी में ग्राफिक्स मिलेंगे एंड इस गेम के सीन्स आपको स्मूथ 3D एनिमेशन में मिलेंगे, बट ओनली कुछ सीन्स में ही एनिमेशन है एंड एज ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट गेम है सो इसमें आपको थोड़े NTR एंड शेयरिंग सीन्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की, तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 2.90 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 488 MB। नेक्स्ट नंबर 4 पे है द एनोमाइज डॉक्टर वाइब्स क्रिएट किया है डॉक्टर वाइब क्रिएटर ने। एंड फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की, तो इस गेम में आप एक यंग मैन होते हो एंड आप आपकी सिटी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हो, बट एक रात एक पार्टी के बाद आपके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद आप एक दूसरे डायमेंशन एक दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हो एक न्यू फैमिली के पास एंड वहां आप इंटरेक्ट होते हो आपकी न्यू मॉम आपकी सिस्टर एंड आपके डैड से एंड नाउ वहां आपका मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट होना एंड उनके साथ सीन्स करना। बट इसके साथ ही आपको वहां पता लगाना होगा कि वो लोग कौन है जिन्होंने आपको यहां भेजा है एंड आपको इस यूनिवर्स में भेजने के पीछे उनका मेन मोटिव क्या है एंड ये सब आगे आप इस गेम में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की, तो इस गेम में आपको एनिमे स्टाइल में ग्राफिक्स मिलेंगे सेम लाइक एटर्नम एंड इस गेम के कैरेक्टर्स भी आपको एनिमे स्टाइल में ही मिलेंगे बट बहुत ही हॉट एंड इस गेम के सीन्स आपको सुपर स्मूथ 3D एनिमेशन में मिलेंगे वो भी साउंड के साथ एंड स्टोरी वाइज भी ये गेम बहुत ही यूनिक है एंड आपके लिए टोटली वर्थ इट है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की, तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 1.90 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 1.70 GB। नेक्स्ट नंबर 3 पे है मेड टू प्लीज क्रिएट किया है टूड ब्रॉक क्रिएटर ने। एंड फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की, तो इस गेम में आप एक यंग बॉय होते हो एंड आप वापस अपने घर आते हो एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से एंड वहां आप इंटरेक्ट होते हो आपके डैड से आपकी न्यू स्टेप मॉम से आपकी मेड से आपकी सिस्टर से एंड वहां के पुलिस ऑफिसर से। बट जैसे ही आप वहां रहना स्टार्ट करते हो तो वहां आपको उस टाउन के सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज का भी पता चलता है एंड साथ ही आपको आपकी मॉम एंड आपकी सिस्टर के डिजायर्स का भी पता चलता है। तो अब ये सीक्रेट्स क्या है ये सब आगे आप इस गेम में देखिए। एंड अगर आप एक ऐसा फैमिली गेम खेलना चाहते हो जिसमें आपको एक टॉप क्वालिटी स्टोरी मिले एंड मोर देन 6 गर्ल्स मिले सीन्स करने के लिए तो ये गेम आप जरूर खेलना। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की, तो इस गेम में भी आपको फुल HD क्वालिटी में ग्राफिक्स मिलेंगे बट गेम की स्टार्टिंग में आपको थोड़े कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल सकते हैं बट गेम में आगे वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड इसके अलावा इस गेम के सीन्स आपको स्मूथ 3D एनिमेशन में मिलेंगे वो भी सुपर हॉट गर्ल्स के साथ स्पेशली मेन कैरेक्टर की मॉम। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की, तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 1.40 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 632 MB। एंड वेट, तो टॉप टू गेम्स की बात करने से पहले अगर आपको ऐसे ही और क्राइम थ्रिलर गेम्स हॉरर गेम्स या फिर मैजिकल गेम्स खेलना पसंद है तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहां से आप उन्हें भी देख सकते हो। एंड सभी लिंक एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 पे है एक कंप्लीट गेम डेप्रेव्ड अवेकिंग क्रिएट किया है फिली गेम्स ने जिसने सिटी ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स भी क्रिएट किया है एंड ये उनका फर्स्ट गेम था। एंड नाउ बात करते हैं गेम की स्टोरी की, तो इस गेम में आप एक यंग डिटेक्टिव होते हो एंड आपका मेन वर्क होता है आपके सिटी के क्राइम्स एंड मिस्ट्रीज को अनकवर करना एंड एक दिन आपके पास एक बहुत ही मिस्टीरियस केस आता है जिसमें आपके क्लाइंट का बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है एंड वहां की पुलिस का ये मानना होता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड है बट आपको ऐसा नहीं लगता
एंड इसलिए अब आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हो एंड इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप इंटरेक्ट होते हो डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स से एंड इसी इन्वेस्टिगेशन में आपको इस केस से रिलेटेड बहुत सी मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स का भी पता चलता है। तो अब ये सीक्रेट्स क्या है एंड क्या ये कोई मर्डर है या फिर एक सुसाइड, या आगे आप इस गेम में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की। तो इस गेम में भी आपको फुल एचडी क्वालिटी में ग्राफिक्स मिलेंगे एंड इस गेम के कैरेक्टर्स भी सुपर हॉट है, बट इस गेम के सीन्स आपको स्टैटिक 3D क्वालिटी में मिलते हैं, मींस विदाउट एनिमेशन। बट इसके अलावा इस गेम की स्टोरी एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर स्टोरी है जो आपको इस गेम में बिल्कुल भी बोर होने नहीं देगी एंड ये गेम फुली कंप्लीट भी है, सो कंटेंट वाइज भी ये गेम बहुत बड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 2.7 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 1.37 GB। नेक्स्ट नंबर 1 पे है इंटरवाइन, क्रिएट किया है नॉक्स क्रिएटर ने। एंड फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की। तो इस गेम में आप एक यंग बॉय होते हो एंड गेम की स्टार्टिंग में ही आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसके बाद आप अपने डैड के साथ ही रहने लग जाते हो। बट आप 5 साल बाद आप फिर से अपनी मॉम एंड अपनी सिस्टर से मिलने का डिसाइड करते हो एंड अपने होम टाउन वापस आ जाते हो, जहां आपकी मुलाकात होती है आपकी मॉम से, आपकी सिस्टर से एंड आपकी आंटी से, जो अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है एंड अब आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। एंड अब जैसे जैसे गेम की स्टोरी आगे बढ़ेगी, गेम में और भी गर्ल्स इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी कज़न, आपकी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड एंड मैनी मोर, एंड इन सब के साथ आपको सीन्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की। तो इस गेम में आपको फुल HD क्वालिटी में ग्राफिक्स मिलते हैं, बट इस गेम में ग्राफिक्स का थीम थोड़ा डार्क है। बट इसके अलावा इस गेम की गर्ल्स सुपर हॉट है एंड इस गेम के सीन्स आपको 4K एनिमेशन में मिलते हैं, बिल्कुल कोई एनिमेटेड मूवी की तरह। एंड कंटेंट वाइज भी ये गेम बड़ी है एंड यही सब वजह है जिसके कारण ये गेम नंबर 1 पे है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 7.60 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 826 MB। नेक्स्ट बोनस गेम स्ट्रिंग्स ऑफ फेट, क्रिएट किया है MC गेम्स ने। एंड फर्स्ट बात करते हैं गेम की स्टोरी की। तो इस गेम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इस गेम में आप एक हीरो का नहीं बल्कि एक विलन, एक शेडो मास्टर का रोल प्ले करोगे, जो बहुत सालों बाद फिर से अर्थ पर लौट आया है एंड अब फिर से आपका टाइम आ गया है एंड अब सारी बुरी ताकतें फिर से एक हो रही है। तो बेसिकली इस गेम में आपका मेन एम होगा अर्थ पर फिर से बुराई और अंधकार को फैलाना एंड अगर इसके बीच कोई भी आएगा तो आप उसे मार डालोगे। एंड इस गेम की स्टोरी थोड़ी थोड़ी लॉर्ड ऑफ द रिंग गेम जैसी है एंड इस गेम में भी आपको विचेस, एल्फ, ड्रैगन्स एंड मैजिकल पावर्स भी देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर आप एक बेस्ट फैंटेसी मेडिवल पीरियड गेम खेलना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के ग्राफिक एंड सीन्स की। सो इस गेम में भी आपको एनिमे स्टाइल में ग्राफिक्स मिलेंगे बट 3D क्वालिटी में एंड इस गेम के सीन्स भी आपको स्मूथ 3D एनिमेशन में मिलेंगे एंड स्टोरी वाइज भी ये गेम बहुत ही यूनिक है एंड आपके लिए टोटली वर्थ इट है। एंड एक और बात, इस गेम के साथ एक प्रॉब्लम भी है, अभी ये गेम न्यू है एंड इसलिए अभी थोड़ी छोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं गेम के साइज की। तो ये गेम भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। विंडो के लिए गेम का साइज है 4.30 GB एंड एंड्रॉइड के लिए गेम का साइज है 600 MB। एंड चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो होने वाली है अपडेट्स पर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।